नवी मुंबई मनपा चुनाव से पहले ही राजनीति वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। हालिया मामला नेरुल प्रभाग बयानबे से सामने आया है, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष अनवर हवलदार ने बीजेपी के पूर्व नगर सेवक सुनील पाटिल के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वैसे तो यह मामला एक फेंसिंग वॉल के निर्माण से जुड़ा है, लेकिन असली संघर्ष राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने का बताया जा रहा है। देखे रिपोर्ट। सुनील पाटिल, इनका कॉल आया कि तुम गांव वाले से पैसे मांगोगे, गांव के बच्चे लोग लड़के लोग सब भड़क गए हैं तुम्हारे ऊपर, अब मैं वो सारे बच्चे लोगों को लड़के लोगों को लेकर के आ रहा हूँ और उधर ही तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी मर्डर कर दूंगा। अपनी इमेज जो पब्लिक के अंदर खराब हो चुकी है, नकारा कॉर्पोरेटर के तौर पर, वो इमेज को सुधारना, इस तरह से दहशत गुंडागिरी करने से, धमकाने से उसको किसी ना किसी तरह से चुप बिठाना है, इस सोच को लेकर के उन्होंने ये कोशिश की है। लेकिन इस तरह के धमकियों को अनवर हवलदार डरने वाला नहीं। हफ्ता वसूली करना रहा कार्यकर्ता है, उसके सब कॉन्ट्रैक्टर सावध रहना चाहिए कि अनवर जी हवलदार मेरे प्रभाग में जो काम शुरू है वो काम में कॉन्ट्रैक्टर को टॉर्चर कर रहा है, तो ये कौन होता है काम करने वाला। महानगर पालिका चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन नवी मुंबई में राजनीतिक वर्चस्व का महासंग्राम तेज हो गया है। ताजा मामला नेरुल के वार्ड बयानबे का है, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष अनवर हवलदार ने बीजेपी के पूर्व नगर सेवक सुनील पाटिल पर जान से मारने की धमकी देने का संगीन आरोप लगाते हुए नेरुल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अनवर हवलदार ने बताया कि यह घटना प्रभाग बयानबे में एक फेंसिंग वाल के निर्माण से जुड़ी है, जिसे वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी सुनील पाटिल के नज़दीकी कॉन्ट्रैक्टर चालू करने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने मंत्री और आयुक्त से शिकायत कर दी। कांग्रेस नेता ने बताया कि संभवतः इसी शिकायत से नाराज होकर पूर्व नगर सेवक ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी, ताकि दूसरा कोई भी इसका क्रेडिट न लेने पाए। माजी स्थानिक नगर सेवक वार्ड नंबर 92 के सुनील पाटिल, इनका कॉल आया और उन्होंने और कोई दूसरी बात नहीं करते हुए सीधा धमकाना शुरू कर दिया कि अनवर हवलदार, तुम गांव वालों से पैसे मांगते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गांव वाले से पैसे मांगोगे, गांव के बच्चे लोग लड़के लोग सब भड़क गए हैं तुम्हारे ऊपर, अब मैं वो सारे बच्चे लोगों को लड़के लोगों को लेकर के आ रहा हूँ और उधर ही तुम्हारे ऑफिस में ही तुम्हारी मर्डर कर दूंगा। इस काम को लेकर के उन्होंने मुझे धमकाया है, वो ये काम है कि नेरुल पुलिस स्टेशन के सामने जो फुटपाथ है रॉक गार्डन के नीचे वाला, उसको वहाँ पर एक 22 लाख की म्युनिसिपैलिटी की तरफ से फेंसिंग लगाने का काम शुरू हो रहा है, ताकि वहाँ पर लोग कुछ डेबरीज वगैरह इस तरह से ना डाले। वो काम की मैंने शुरुआत किया था 9/3/2021 में, मार्च को। उसके बाद में वो काम मंजूर हुआ, ये उसकी वर्क ऑर्डर है। वर्क ऑर्डर होने के बाद में भी कॉन्ट्रैक्टर जो झुरानी एंटरप्राइजेस बोल के उसका कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर, तो काम मिलने के बाद में, एक्सेप्टेंस होने के बाद भी 2 महीने हो गए वो कॉन्ट्रैक्टर काम चालू नहीं कर रहा था। तो ऐसे हालात में फिर हमने और भी दूसरे मुद्दों को लेकर के 16/12/2021 को आयुक्त कार्यालय पे मोर्चा निकालने की बात की। उसके अंदर मंत्री महोदय बाला साहब थोरा साहब इन्होंने मध्यस्थी की, आदेश दिया महापालिका आयुक्त बांगर जी को कि ये काम तुम करके ले लो। आयुक्त जी ने शायद हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बात की, किसी को कुछ भेजा, और वो काम नेक्स्ट डे 12 बजे शुरू हो गया। इन बिटवीन ये हो गया होगा कि ऑफिसर लोग का काम शुरू करने के लिए दबाव आया होगा, जाहिर है 2 महीना काम शुरू नहीं हुआ तो दबाव आया होगा। उधर से जब दबाव आ गया तो नेक्स्ट डे 11 तारीख को काम शुरू हो गया कमिश्नर साहब के कहने की वजह से, और 12 तारीख को सुनील पाटिल मुझे धमका रहे। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष अनवर हवलदार ने खुला आरोप लगाया कि इस फेंसिंग वाल का कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी के ही पूर्व नगर सेवक ने अपने रिश्तेदारों को दिला दिया है, ताकि पैसा और क्रेडिट दोनों उनके पास रहे।
अनवर हवलदार की माना तो सानी नगर सेवक नहीं चाहते कि प्रभाग 92 में कोई और दखल दे, इसीलिए जब उनसे कोई पूछता है तो उसे इसी तरह से डराया और धमकाया जाता है। 2015 में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि एक संगीन मामला है, इसलिए वे कांग्रेस मंत्री बाला साहब थोरात और राज्य गृह मंत्री को शिकायत देकर पूर्व नगर सेवक की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। मुझे जो मालूमात मिली है, ये फेंसिंग का काम जो है माजी नगर सेवक सुनील पाटिल के भतीजे उनको वो कर रहे। इसके पहले जो 45 लाख का सेक्टर 21 के अंदर जो फुटपाथ का काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो उनके बेटा आदित्य कर रहा है। यानी कि महापालिका का किसी भी तरह का कोई भी ठेका हो वो घर में ही मिलना चाहिए, एक मानसिकता बनी हुई है। और जो आदमी ये काम को ला रहा है मंजूरी करके लोगों के प्रभाग का विकास के लिए, उसको धमकाओ ताकि वो क्रेडिट नहीं ले, क्रेडिट अपने को मिले और आगे वो बंदा इस तरह से काम नहीं करे, कुछ नहीं करे, चुप बैठे, ताकि आने वाले इलेक्शन के अंदर कुछ तकलीफ नहीं हो। 12 तारीख को जो चीज़ हुई, यही चीज़ मेरे साथ में 2015 के इलेक्शन में भी हुई थी, एक दूसरे माजी नगर सेवक के साथ में। उस वक्त भी हमारा झगड़ा हुआ था और पुलिस स्टेशन तक के मैटर गया था वगैरह। तो ऐसा ना हो और पुलिस इस पे एक्शन ले, इसके लिए मैं बाला साहेब थोरात और बंटी पाटिल जी इनको मिलने वाला हूँ और ये मांग करने वाला हूँ निवेदन के साथ में कि इस तरह की प्रवृत्ति के माजी नगर सेवक को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। फिलहाल इस मामले में अनवर हवलदार की एनसी के बाद बीजेपी के पूर्व नगर सेवक सुनील पाटिल ने भी क्रॉस कंप्लेंट लिखवा दी है। TV1 इंडिया के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व नगर सेवक सुनील पाटिल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा वह भी सुन लीजिए। मेरे बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ता अनवर जी हवलदार, उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल किया है। वो तकरार इसलिए है कि मैंने उनको फ़ोन किया था, फ़ोन इसके लिए किया था कि अनवर जी हवलदार मेरे प्रभाग में जो काम शुरू है वो काम में कॉन्ट्रैक्टर को टॉर्चर कर रहा है, अभियंत्रिकी विभाग के जो अधिकारी है उनको भी टॉर्चर कर रहा है। तो ये कौन होता है काम करने वाला, देखने देखने वाला? ये पैसे के लिए बार बार पैसे की मांगनी कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला मेरे को मैं पैसा नहीं दे सकता है, फिर भी हमेशा वो आयुक्त कमिश्नर साहब को लेटर दे के वो परेशान हो गए। फिर बाद में उनको मुँह चू बंद करने के लिए उन्हें 50,000 रुपये भी दिया। उसके बाद दूसरा काम चेंजिंग पेंसिंग का काम उनका ही जुरानी कॉन्ट्रैक्टर का चालू हो गया। उस काम में भी वो लोग अनवर हवलदार यात्री बार बार टॉर्चर कर रहा है। तो ये भी काम मेरे लेटर से हुआ है, इसके लिए मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि अनवर जी ये तुम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, आपको अगर पैसा ही चाहिए तो मैं आपको काम देने के लिए तैयार हूँ, क्रोध से बोला। तो उनको लगा मैंने उनको धमकी मारने का धमकी देखा दिया, ऐसा पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ FIR किया है। मैंने भी उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में तकरार जाकर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।